बुलडोजर बाबा जिंदाबाद 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 अमिताभ यश जिंदाबाद 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 यश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दृश्य और नारेबाजी वाराणसी के एक एनकाउंटर साइट की है, जहां एसटीएफ ने 2 लाख रुपए के एक इनामी बदमाश को मार गिराया है। कई संगीन मामलों में वांछित और लंबे वक्त से फरार मनीष सिंह नाम के एक बदमाश को एसटीएफ ने वाराणसी में मार गिराया, तो एनकाउंटर साइट पर पहुंचे लोगों ने बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद 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 अमिताभ यश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल वाराणसी में कुख्यात अपराधी मनीष सिंह उर्फ सोनू को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश सोनू को ढेर किया, तो वहां पर पहुंचे तमाम लोगों ने बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए। मनीष की तलाश लंबे वक्त से पुलिस को थी। वो कई संगीन मामलों में लिप्त था और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी था। वो कई संगीन मामलों में वांछित था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार को उसके लोहता थाना क्षेत्र में छुपे होने की सूचना मिली। इसके बाद एसटीएफ ने एक ऑपरेशन चलाकर उसकी तलाश शुरू की। एसटीएफ के ऑपरेशन के दौरान मनीष सिंह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे मार गिराया। मार गिराने के बाद पुलिस की एनकाउंटर साइट पर तमाम लोग पहुंचे और नारेबाजी ऐसे हुई, सरकार की इस तरह से तारीफ की गई। वाराणसी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल मनीष सिंह का नाम बीते दिनों चौकाघाट के दोहरे हत्याकांड में भी आया था। रोहनिया पुलिस भी एक मामले में सोनू की तलाश कर रही थी। मनीष सिंह कुख्यात हिस्ट्री शीटर था। वो लंका थाना क्षेत्र के रहने वाले अनिल सिंह का बेटा था और लंबे वक्त से पुलिस उसे खोज रही थी। मेरे भाई एनडी तिवारी जो कि पत्रकार थे, मैं भी पत्रकार हूँ, और सुल्तानकेश्वर मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। रात में ये गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें नाम मनीष सिंह 2 लाख का जो इनामिया था उसका आया था, उसने हत्या की थी मेरे भाई की, और आज एसटीएफ ने उसको मार गिराया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को, कि बुलडोजर तो अभी गर्जने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई गर्जवा करके एक एहसास दिला दिया है कि कोई भी अपराधी इसमें बच नहीं पाएगा। तो हम लोग योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आज जो है हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ वाराणसी का नरोत्तमपुर लंका थाना का निवासी मनीष सिंह सोनू, जो 2 लाख का इनामिया था और बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल था, उसको आने की सूचना थी ये बनकट रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है। तो हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, तब तक उधर से जो है हरबा साइड सर्विस लेन से वो आया और हम लोग उसको रोकने का प्रयास किए, लेकिन वो उल्टी दिशा में अपने साथी के साथ बाइक से भागने का प्रयास किया। फिर हम लोग जब उसको कवर करने का प्रयास किए, उतर के फायर करने लगा। उसी फायरिंग के दौरान जो है वो घायल हो गया, हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इसका आपराधिक इतिहास किस तरह का रहा है? इसका आपराधिक इतिहास बहुत ही ये दुर्दांत और खूंखार अपराधी था, जिससे कि पिछले 10 सालों से ये इलाका जो है परेशान था। यहाँ पर चौकाघाट डबल मर्डर और एनडी तिवारी एक चर्चित पत्रकार थे, हमारे बड़े सम्मानित थे, उनकी हत्या इसने किया था। एक बहुत ही खूंखार और जघन हत्याकांड इसने जनरल मैनेजर किया था पैसा वसूली में, और इसके साथ ये ढेर सारी हत्याओं और लूट में वांछित था, और इसके साथ इस पर कुल 32 मुकदमे हैं और कई लोगों से वसूली करने का प्रयास कर रहा था। और भी जांच की जा रही है? हाँ, आगे जो है इस पर जांच की जा रही है। सर, इनाम 2 लाख इनाम घोषित था।